हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में इन फ्रंट ऑफ बेसिक स्कूल पांडे भवन। हमारा वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन पर कृपया जरूर क्लिक करें और लाइक और शेयर करना ना भूले। हाय फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र कुमार आज आपको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में टेंस टॉपिक का नाम है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस क्या है? तो टेंस का डिफिनेशन इधर दिए है। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच डिनोट्स एक्शन एक्शन टाइम एंड स्टेट। अर्थात काल क्रिया का वह रूप है जो काम समय तथा अवस्था को बतलाता है। टेंस ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ माना जाता है, बैकबोन के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप टेंस का टॉपिक नहीं जानते हैं तो आगे के जितने भी नरेशन रिमूव टू क्वेश्चन टैग या यानी अदर टॉपिक्स हैं वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंस इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ माना जाता है। इसलिए हम यहाँ नोट करके लिख दिए टेंस को इंग्लिश ग्रामर का रीढ़ कहा जाता है। इस टेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे वह जाता है, हम लोग खेल रहे थे, भारत के सभी लोग आजकल घर पे रहते हैं। ये बात सही है कि लॉकडाउन है जिसके कारण हम लोग घर पे ही रहते हैं। अभी देखिए वीडियो हम बना रहे हैं अकेले। तो आगे देखते हैं कि टेंस के प्रकार। तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, और तीसरा फ्यूचर टेंस जो टेंस के अनुसार पढ़ते हैं लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इसे टाइम माना जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में जानते नहीं है और ये आने वाला रहता है, तो जो आने वाला वो समय के रूप में मानते हैं, इसलिए ये टाइम के अंतर्गत पढ़ेंगे टेंस के अंतर्गत, लेकिन ये होता है टाइम और इसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य काल। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी प्रेजेंट टेंस का डिफिनेशन। तो प्रेजेंट टेंस वह है जो अभी चल रहा हो, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। इसके काइंड्स होते हैं तो वो भी दिया गया है, तो इसके डिफिनेशन दिए दिए हैं नॉर्मल रूप में, विच टाइम इज गोइंग ऑन, जो समय चल रहा है। और इनके हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, ये मैं यहां डिनोट कर दिया हूं। पहला सिंपल प्रेजेंट, इसी का आने नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है सामान्य वर्तमान का। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसका आने नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तथा इसके अतिरिक्त नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है तत्कालिक वर्तमान काल। और भी इनके अन्य भेद है जो मैं आगे बता रहा हूँ। स्टार्ट। अब देखते हैं अगले तीसरे भेद। तीसरा भेद इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण वर्तमान का, यानी परफेक्ट यानी पूर्ण वर्तमान का। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहले भेद को, प्रेजेंट टेंस के पहले भेद को, जो हम लोग नाम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डायरेक्ट हम लोग इसका पहचान पढ़ते हैं कि किस तरह के वाक्य में कैसा वाक्य रहेगा और कैसे समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य क्या पहचान होता है और इसको कैसे बनाए। तो चलिए कुछ हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो पहचान होता है जिस मुख्य क्रिया यानी मेन भाव होना चाहिए, इसमें एक्शन भाव होता है, जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो, तो इसकी बनावट होता है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं कि यह सब्जेक्ट क्या होता है, घर क्या होता है, यानी V1 क्या होता है और V5 क्या होता है। तो कुछ बातें इधर नोट की हैं। किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं, किसी भी वाक्य के दो भाग माने जाते हैं। पहला
सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यानी उद्देश्य भी बोल सकते हैं, दूसरा प्रीडिकेट जो विधेय अर्थात ऑब्जेक्ट और यानी वर्ड आते हैं। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट द सब्जेक्ट हु डज द वर्क इन द सेंटेंस, कर्ता वह होता है जो वाक्य में काम करता है। अर्थात कर्ता के अंतर्गत वाक्य में क्या आ सकता है, तो वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट हु टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट डज, मतलब प्रेडिकेट वह होता है जो वाक्य में कर्ता क्या करता है उसके बारे में बताता है। अब जानना है कि प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत नाउन या प्रोनाउन आता था सब्जेक्ट के अंतर्गत, लेकिन प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या था जो नोट करके लिखे हैं। वाक्य में प्रेडिकेट के रूप में वर्ब नाउन तथा कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट भी प्रकार के होते हैं, वर्ब के भी प्रकार होते हैं, नाउन के भी प्रकार आप जानते हैं। वैसे इसका अगला ज्यादा जो पढ़ना है क्लासिफिकेशन और इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हम इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को पढ़ना है टेंस, तो टेंस को पढ़ना है इसलिए इसमें जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आता है, डू या डज आता है। और स्ट्रक्चर जब लिखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि आप गिवन क्या होता है और वी फाइव क्या होता है। गिवन का मतलब होता है कि वर्ब का मूल अवस्था अर्थात पहला रूप जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, और वही स्ट्रक्चर में वी फाइव का मतलब क्या होता है, तो वर्ब का पांचवा रूप जो हमेशा सिंगुलर अवस्था में होता है। अब यहां एक बात और लिखा हुआ है कि वी वन से वी फाइव बनाने के लिए, अब आप सवाल कर सकते हैं कि वी वन से वी फाइव कैसे बनाएंगे, तो वी वन से वी फाइव बनाने के लिए भाग के अंत में एस या एस लगाया जाता है, अर्थात वी वन से वी फाइव बनाने के लिए एस या एस लगाया जाता है। अर्थात नाउन को पुनर्ग में जिस प्रकार हम लोग बदलते हैं या बदलते थे उसी प्रकार भीवन से भी फाइव भी बनाया जाता है। बात यह है कि वहां नाउन को पुनर्ग बनाया जाता है और यहां भीवन से भी फाइव सिमिलर बनाया जाता है, बस यही। और आगे देखते हैं कुछ और, आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्यों के साथ प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट किस तरह का रहेगा, वाक्य और इसके स्ट्रक्चर। तो देखते हैं स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसमें जिस वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस वर्ब के रूप में, अर्थात पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब आएगा और उसमें नहीं वर्ड नहीं आएगा। तो देखते हैं, चलिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। वी वन वी फाइव के बारे में पहले बता दिए, अब बात रह गई कि सवाल उठा सकते हैं कि किस के साथ वी वन का प्रयोग होता है, किसके साथ वी फाइव का प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहां कुछ बातें लिखा हुआ है। एनसी अर्थात नोमिनेटिव केस, अर्थात जो सब्जेक्ट के रूप में आता हो उसको एनसी यहां लिखे हैं, यहां नाउन भी आ सकता है, लेकिन यहां फिलहाल इस तरह से जो भी है डेटा यहां पर दिखाया हुआ है। और वर्ब आई के साथ, आई के साथ वी वन, बी के साथ वी वन अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ वी वन का प्रयोग होता है। यू सेकेंड पर्सन इसके साथ भी वी वन का प्रयोग होता है। ही सी इट या कोई एक नाम, ही सी इट या कोई एक नाम अर्थात थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी फाइव का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसके साथ भी वन का प्रयोग होता है और किसके साथ भी फाइव। तो सिंपल तरीका है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही भी फाइव का प्रयोग होता है,
बाकी जो भी पर्सन हो, जो भी नंबर हो, सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा हुआ है दे के साथ V1। मोर देन वन नेम यानी एक नाम से अधिक, एक नाम से अधिक व्यक्ति वस्तु या कुछ भी आ जाए तो उसके साथ V1 का प्रयोग करना है जो सब्जेक्ट के रूप में आए। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल और कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि पहचान क्या होता है। सबसे पहले फोकस करना है पहचान। तो पहचान हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि जिस मुख्य क्रिया, मुख्य यानी मेन वर्ब, तो जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है दी है। तो देखते हैं सीता अंग्रेजी पढ़ती है, तो सीता तो मेरा सब्जेक्ट है बात का, क्योंकि काम कर रहा है पढ़ने का कौन, सीता। अंग्रेजी पढ़ती है तो ये अंग्रेजी पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ा, यहां देखिए क्रिया है पढ़ना, इसके लास्ट में ता है दी है, ता ती दी लगा हुआ है, अर्थात ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तब इसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम ये स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। बहुत आसान लगेगा, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा दिक्कत हो, तो बेहिचक बिना कोई रुकावट के, बिना संदेह के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। तो वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सीता। क्यों, क्योंकि यही काम कर रहा है वाक्य में, तो सीता तो सब्जेक्ट लिख दिए। चलिए यहां तक हो गया। अगला प्लस, प्लस के बाद V1 या V5। तो पहले वाक्य क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्या रीड होता है बाबू, तो रीड कर दिए। चलिए आप देखते हैं कि ये V1 होगा कि V5, तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि देखो उधर वर्णन कर चुके हैं ऑलरेडी कि किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है। तो सीता एक नाम है, तो एक नाम है बाबू, तो देखिए तो एक नाम सीता जब, यानी कोई भी एक नाम हो, व्यक्ति वस्तु किसी का भी हो जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो उसके साथ V5 लगाना है। तो यानी सीता एक नाम है, इसके साथ V5, तो डी है लास्ट में, तो लगेगा। तो V5 बनाने के आप देख लेंगे कि सिंगुलर से जो प्लुरल बनाने का नियम है वही V1 से V5 बनाने का नियम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो रिट्स हो गया। उसके बाद अब देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं तक क्लियर हो जाएगा सेंटेंस, इसी प्रकार से बन जाएगा। तो अंग्रेजी, यहां सीता पढ़ती है क्या, अंग्रेजी, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा हो जाएगा इंग्लिश। और एक बात और ध्यान में रखना, सब्जेक्ट का कोई भी नाम रहे तो उसका फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाता है। और लास्ट में फुल स्टॉप देना अनिवार्य है, क्योंकि इससे बात कंप्लीट माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो यहां सब्जेक्ट मेरा मैं हो गया, तो इसके साथ मैं का इंग्लिश आई। अब लिखना है V1 होगा या V5, तो पहले भाग देखेंगे, तो बोलना, तो बोलना होता है स्पीक, तो आई के साथ क्या लगता है V1, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ V1। तो जो भी भाग होता है मूल अवस्था में वो V1 होता है, आपको इसमें और नहीं कहीं से कि V1 क्या होता है, तो V1 वही होता है जो मूल अवस्था में जहां से भर के क्रिएशन हुआ है। तो देख लेते हैं, स्पीक हो गया, अब क्या देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, यहां भी इंग्लिश हो जाएगा, अर्थात इसका मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आप इंग्लिश भी बोलेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, अगर इसी तरह का वाक्य हो, वह जाता है सीता खाती है, और इसी में अगर कहते कि वो नहीं जाता है, वो नहीं जाती है, वो निगेटिव आ जाएगा, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसका बनावट भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि डू और डज किसके साथ लगेगा, तो जिसके साथ V1 का प्रयोग होता ये करते थे या करते हैं उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, अर्थात ये भी एक डू और वर्ब के रूप में जाना जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है यहाँ पर, तो ये V1 और V5 के रूप में आ जाता है, और फिर जो और उसमें मेन वर्ब होंगे वो V1 रूप ले लेता है। तो देखते हैं इसके एग्जांपल, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, पहचान तो आपको दिख रहा, तो पहले सब्जेक्ट पुट करना है, तो मैं तो आई, उसके बाद डू या डज, तो आई सब V1 लगता है, डू होगा, उसके बाद नॉट है, तो डू प्लस नॉट को आप डॉन्ट में डॉन्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो भी हम नॉट अलग लिख सकते हैं। उसके बाद V1, तो भर क्या है, बोलना, तो बोलना के क्या होता है स्पीक। उसके बाद सॉरी एक और बात है कि झूठ बोलना का अलग से मीनिंग आता है,
इसको याद करना पड़ता है। आपके वर्ब शीट दिए रहते हैं ट्रांसलेशन बुक में या कोई प्रकाशन के बुक लेंगे उसमें वर्ब शीट दिए रहते हैं। तो देखना कि झूठ बोलना का अलग मीनिंग होता है टेल ए लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट टेल ए लाई। लास्ट फुल स्टॉप दे देना। झूठ बोलना की इंग्लिश ये होता है टेल ए लाई। या ए नहीं देना चाहेंगे तो आप लाइज लिख सकते हैं। अगर टेल भी नहीं देना चाहते तो लाइन मने भी होता है झूठ बोलना भाग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह से भाग याद किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह मेरा साथ नहीं देती है। वह मेरा साथ नहीं देती है इसका इंग्लिश क्या होगा? तो वह मेरा साथ नहीं देती है सी होगा क्योंकि देती हुआ डाल गया तो सी मने हुआ स्त्री के लिए। उसके बाद देखने की डू आएगा कि डच तो सी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर इसके साथ डज आ जाएगा। तो डज और डजंट भी लिख सकते हैं अगर चाहेंगे तो नहीं तो डज प्लस नॉट इधर हो गया। उसके बाद भीवन तो भर्ब क्या है? तो भर्ब है साथ देना। साथ देना पे हेल्प भी बोल सकते हैं सपोर्ट भी बोल सकते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। तो यहां पे हम लिखते रहे फिलहाल के लिए हेल्प या सपोर्ट भी लिखते। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो देंगे नहीं तो फुल स्टॉप देंगे। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट मेरा तो मेरा क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव मत लिख देना माय। यहाँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट लिखना अर्थात ऑब्जेक्टिव केस को लिखना है तो मेरा क्या मी अर्थात सी डज नॉट हेल्प मी या सी डज नॉट सपोर्ट मी वो मेरा साथ नहीं देती है। अगला है कि इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव कैसे पता चलेगा कि ये बात इंट्रोगेटिव है? तो सवाल किए जाएंगे। सवाल कैसे किए जाएंगे? तो वाक्य के शुरुआत ही क्या से होगा अर्थात इसको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। फुल क्वेश्चन नहीं शॉर्ट क्वेश्चन। इसका जवाब जब भी आता है तो एस या नो में आता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं जुड़ सकता है एस या नो इसलिए इसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बोलते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन का वाक यानी इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होगा तो इसकी बनावट क्या है? तो डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप डिपेंड कर या फिर आपको लग रहा होगा कि डू क्या डज तो ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है कि डू लगेगा कि डज तो सब्जेक्ट देख लेना इस बात में जैसे बाकी आप क्या आप जानते हैं तो पहले डू होगा कि डज का सब्जेक्ट देखना है आप है तो यू इंग्लिश होगा इसका। तो जब यू इंग्लिश होगा तो इसके साथ विवन लगता है तो विवन के साथ जो जिसके साथ विवन लगता है उसके साथ डू लगाते हैं अर्थात डू आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आपका यू उसके बाद भीवन देना है तो भर क्या जानना तो जानना क्यों होता है बाबू तो नो ला अगर ऑब्जेक्ट होता तो देते नहीं है तो कोई बात नहीं लास्ट में आपको क्या देना है क्वेश्चन मार्क दे दी बस कंप्लीट। क्या आप जानते हैं डू यू नो? क्या आप मुझे नहीं जानते सॉरी क्या आप जानते हैं डू यू नो? अगर वो जाता क्या आप मुझे जानते हैं डू यू नो मी ऐसे करके वाक्य बन जाता। क्या सीता खेलती है तो देखना है सब्जेक्ट क्या सीता सीता है तो क्या आ जाएगा इसके साथ डच क्योंकि इसके साथ भाई लगता था तो सीता के साथ डच आ जाएगा पहले। उसके बाद सब्जेक्ट देना है तो सीता उसके बाद क्या देना है विवन तो भर क्या खेलना खेलना क्या होता है प्ले ऑब्जेक्ट रहता है जैसे क्रिकेट लूडो या एनी कोई गेम रहता तो वो आप पुट कर देते नहीं है तो कोई बात नहीं लास्ट में आपको फुल स्टॉप देना है। आगे सिर्फ और भी इसके फॉर्म होते हैं तीन बताए तीन और होंगे चलिए आगे देखते हैं। कुछ बच्चे थे बोले थे कि छह बना सकते हैं हम लोग तो तीन और इधर रिटर्न कर चुके हैं हम और कुछ पॉइंट्स बताते हैं। तो अगला है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि वाक्य से क्वेश्चन भी किया जाएगा और उसी वाक्य में नहीं भी वर्ड लगा दिया जाएगा। तो जैसे सवाल है कि क्या आप मुझे नहीं जानते हैं पहले तो सवाल कर दिया गया क्या आप मुझे नहीं जानते हैं मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया और नहीं भी लगाया अर्थात इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इसके बराबर होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं और करते हैं हम लोग। तो पहले डू या डज ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट आप इसका इंग्लिश होगा यू तो यू के साथ क्या लगेगा तो डू डू लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट देना है तो आपका यू
आप शुरू में भी लिख सकते हैं, यहां डोंट लिख सकते हैं, जिसे नॉट यहां है ना, इसके साथ अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहेंगे तो डोंट लिख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद नॉट दे दिए हम, चलिए भी वन देते हैं, तो भर क्या है, जानना, तो जानना के नो, के एन ओ डब्ल्यू नो लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मुझे, मुझे का मी, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो मी, या आप बोल सकते थे ऐसे, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी, क्या आप मुझे नहीं जानते हैं। उसके बाद अगला से एक सेंटेंस है, क्या हुआ अंग्रेजी नहीं, क्या हुआ अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो इसका देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डच। उसके बाद सब्जेक्ट को पुट करना है, तो ही क्योंकि पढ़ता है, अगर पढ़ती रहता तो सी लिखते, फिर नहीं तो नॉट, उसके बाद भी नहीं तो भर क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे, तो है यहां इंग्लिश है, इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब बात आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड का दूसरा नाम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तब देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो बात के क्या से शुरू होगा, दूसरा फुल क्वेश्चन, उसका जवाब आप उस जैसे कदे की वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, तो ऐसा नहीं मतलब उसका जवाब भी देंगे तो आप लॉन्ग में ही देंगे, जैसे आई लिव एट नारदीगंज, आई लिव एट पटना, या आई लिव इन पटना, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो जवाब फुल क्वेश्चन होता है, तो जो फुल क्वेश्चन किया जाता है उसको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसका बनावट होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच वर्ड के कुछ हम इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एच वर्ड जो होते हैं वो लिख दिए, होते तो बहुत सारे, डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत पढ़ा जाता है इसको। तो जैसे ये कैसे पता चलेगा कि डब्ल्यू एच वर्ड में है, तो ये सारे वर्ड सब्जेक्ट के बाद अर्थात वाक्य में लगा होगा। व्हाट मिस क्या, व्हेन मिस कब, व्हाई मिस क्यों, व्हेयर मिस कहां, हाउ मिस कैसे, हु मिस कौन, हाउ मेनी मिस कितना, जो काउंटेबल के लिए आता है, जब गिन सकते हैं तब हाउ मेनी का उपयोग करेंगे और नहीं गिन सकते तो हाउ मच, नॉन काउंटेबल के लिए। दोनों का अर्थ एक ही होता है, व्हिच मने किस या कौन सी होता है, होम मने किन्हें या किससे भी होता है, और हुज मने यहां पे आप किससे भी लगा सकते हैं, हुज मने किसका या किसकी, दोनों के लिए आ सकता है। चलिए तो ये सब अगर रहेंगे तो आप पहले उसको लिख लेना, उसका डू या डज, फिर सब्जेक्ट, तब ही वन, तब ऑब्जेक्ट, तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वह कहां रहता है, वह कहां रहता है, तो देखिए ये कहां जो है वो वाक्य के सब्जेक्ट अर्थात, देखिए तो ये वाक्य में लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद है, तो जब वाक्य के बाद कोई क्वेश्चन वर्ड लगा हो तो पहले उसका ही अंग्रेजी लिखना है। यही इंग्लिश का कह सकते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटी है कि ऐसा नेचर है कि पहले इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाता है। तो देखते हैं कहां का, हियर। उसके बाद डू या डज, तो सेम प्रोसेस कि सब्जेक्ट क्या है, तो वह, तो इसके साथ क्या है, डज, तो डज लिखेंगे। उसके बाद वह, तो देख लेना कि रहता है कि रहती, तो रहता है यानी ही आएगा। उसके बाद भीवर, तो भर रहना का लिव, ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता, लिव के बाद ऑब्जेक्ट भी होता ही नहीं, तो अगर अदर पार्ट भी रहता तो लिखते नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। वह कहां रहता है, वे डज ही लिव, वह कहां रहता है, वे लोग कहां से आते हैं, तो कहां से एक क्वेश्चन मार्क के रूप में रख लेंगे, आप डायरेक्ट कहां भी रख सकते हैं, लेकिन कहां से का इंग्लिश साथ में डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत चाहते हैं कि फ्रॉम वेयर, अगर अगर फ्रॉम से ही शुरू कर दे तो कोई बात नहीं, लास्ट में से का इंग्लिश देना पड़ेगा, क्योंकि इससे एक्सप्रेशन या अंडरस्टैंड इस बात के लिए पता चल रहा है कि कहीं से आ रहा है अर्थात जुदाई हो रहा है, तो आप लास्ट में फ्रॉम देंगे, नहीं तो शुरू भी दे सकते हैं, तो शुरू ही दे देते हैं, हम आपको बता रहे फ्रॉम वेयर, ये दे दिए, डब्ल्यू एच वर्ड के अंतर्गत आ गया। वे डू या डज, सब्जेक्ट में क्या, वे लोग, तो वे लोग का दे होता है, तो दे के साथ क्या लगता है डू। उसके बाद
सब्जेक्ट दे लेना है कि वे लोग तो दे। चलिए आ रहा होगा समझ में। उसके बाद आना का कम, और कम तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है, तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर अदर वर्ड रहता तो लिखते नहीं है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, और अगर फ्रॉम नहीं आ देते तो जब यहां से शुरू करते तो लास्ट में आप फ्रॉम देते तो हो जाता कंप्लीट। उसके बाद अगला है कि डब्ल्यू एच वर्ड भी नहीं रहता, क्यों कहां कब कैसे भी लगा रहेगा और उसी बात में नहीं भी लगा रहेगा, तो इसको हम लोग जानते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस निगेटिव के रूप में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीता अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है, सीता अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ती है, तो पहले आपको देना है क्वेश्चन वर्ड, तो देख लीजिए क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों का क्यों होता है वन। उसके बाद यहां भी आप डू प्लस नॉट को डॉट लिख सकते हैं, डज प्लस नॉट को डायरेक्ट लिख सकते हैं शॉर्ट में, तो हम तो इस तरह से फॉर्मेट इसका तैयार किए, इसी तरह से बना देते हैं आपको। फिर सीता सब्जेक्ट के अनुसार देख लेना कि डू आएगा डज, तो सीता तो डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए सीता, अब इसी में नहीं लगा हुआ है तो नॉट देना है, उसके बाद वी वन देना है तो भर पढ़ना, तो पढ़ना के रीड, और ऑब्जेक्ट फिर है अंग्रेजी है तो लास्ट में लिखेंगे। अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्या कि पहले सब्जेक्ट दे दिए फिर ऑब्जेक्ट दे दिए फिर वर्ब दिए जैसे तैसे, तो इसीलिए स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि इसकी फॉर्मेशन या जो इसका रूल होता है कि पहले कौन टर्म्स आएगा फिर कौन टर्म्स आएगा उसके अनुसार इसको सजा के लिखना होता है, इसलिए स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो इसलिए यह स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर किसी तरह का ये अभी तक सिंपल फॉर्मेशन है, इसके और भी क्लासिफिकेशन है जो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, अगर ये अभी तक दिक्कत हुआ होगा बनाने में या समझने में तो कमेंट करें और सवाल कर सकते हैं, और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये कमेंट बॉक्स में इसको ट्रांसलेट करके बना भेजें, और विशेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग, और इसका बहुत सारे रूल्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लगभग क्लास 10 से 12 क्लास चलेगी तब जाके कंप्लीट होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो समझ में आ गया हो तब सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर भी करें। जी धन्यवाद।